हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी हमें तो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम कुछ अच्छा कॉन्टेंट्स आपके लिए लेके आएंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो भाई, हमारा जो नाइट स्टे था यहाँ पर पुष्कर में था लास्ट नाइट, तो यहीं पर ठहरे हुए हैं। अभी हम रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले हैं। तो वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था 10:30 बजे का, अभी 11 बज गए हैं, तो होप मिल जाना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये भाई अपना ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे इन लोगों ने शायद वो बुफे वगैरह था वो तो सब क्लोज हो गया है, तो जो मिला यही है। ये जैसे पोहा है, इडली है और टी वगैरह इन्होंने दिया है। तो भी हमारे रियान भाई उठे नहीं जल्दी, इनको बोला था कि 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट है, चलो नहीं कोई बात नहीं, आराम से फ्रेश होके चले गए। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:30 और हमारा चेक आउट का टाइम हो गया है, तो हम निकलते हैं आगे के लिए। शायद हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा किशनगढ़, वहाँ पे मिलते हैं आपको। भाई वैसे तो होना चाहिए था ये जो जा रही है आगे, आपको देख रहे ये कार्ट, इसमें जाना था हमें, पर ये हमें मिली नहीं। तो हमारे रियान भाई अपना लगेज खुद ही लेके चल रहे हैं, देखिए। तो भाई ये अपनी गाड़ी आ गई है, ये लोग लेके आ गए हैं। तो अभी ये लोग हमारा लगेज वगैरह जो हमारे गाड़ी में रख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कुछ गाड़ियाँ क्या है निकल चुकी हैं पहले ही, लाइक मतलब कुछ टेंपल्स गए हुए हैं, कुछ सैंड ड्यून्स वगैरह, तो आगे निकलेंगे। कुछ बाकी हैं तो हम सब निकल रहे हैं अभी। भाई लोग, मेरा जो वो था ना मेकअप किट वो रह गया है, मुझे दोबारा रूम पे आना पड़ रहा है उसके लिए। इन लोगों से की लिए दोबारा आए हम रूम पे। तो ये रही भाई मेरी मेकअप किट, इसको मैं भूल गया था जल्दी जल्दी में, तो अभी लेके निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई अभी निकलने का टाइम हो गया है, कैमरा क्यों नहीं होगा ना, इसी में होगा तुम्हारा भी है ना। तो भाई इसको भूल के आ गया था भाई ऊपर में, तो दोबारा गया हूँ तो लेके आया हूँ। तुमने इसमें तो डाला था, मैं डाला ही नहीं इसमें। क्यों नहीं डाला, फिर नहीं डाला तो कैसा होगा फिर इसमें। मैंने तुझे दिया था ना वो। मैं मुझे नहीं दिया था, तूने डाला था। हाँ मिल गया ना, हाँ ठीक है। तो भाई आज हमारी ड्राइविंग करेंगे रिहान भाई आगे के लिए, जब तक ये करेंगे उसके बाद हम ले लेंगे आगे। तो भाई जो आगे गाड़ी दिख रही है आपको थार, ये है गुजरात से है भाई, अभी हमारे साथ गुजरात से जी जे नंबर दिख रहा है। तो भाई वैसे तो बहुत स्टेट्स है, पंजाब से आए हैं, एचपी से भी आए हैं बहुत से लोग। इसने एक शायद ये जो स्टिक लगा रखी है 360 की है, तो हमें भी शायद ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पीछे का व्यू अच्छा है। एक भाई को लेके आए हैं गाड़ी साफ करवा ली, शायद शीशा साफ करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है भाई गाड़ी, अभी दिखाता हूँ आपको बाहर से क्या है भाई। एक तो क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्या आउटसाइड में था, पूरा ऑफ रोड था, तो रात में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी गाड़ी, कल दिन में भी। तो अभी रिहान भाई हमारे एक बंदे को, होटल वाले एक बंदे को लेके आए कि गाड़ी साफ़ करने के लिए, तो अभी गाड़ी साफ कर रहे हैं। हमारे रिहान भाई खुद भी साथ में लगे हुए हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि हम भाई यहाँ से साफ करो, यहाँ से नहीं दिखा रहा है तू, ये दिखा दे कुछ गंदे और हो गए, दिखा दे। हाँ ये भी साफ करवा ले, ये भी साफ करवा ले भाई, सब साफ करके देंगे, और कुछ तो साफ नहीं कराना है। तो भाई लोग फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये पुष्कर ये रिजॉर्ट है, इससे अब आगे कुछ लोग क्या पहले ही निकल गए, तो ये हमें कुछ ठीक ही नहीं लगा कि भाई 10-15 लोग पहले आगे निकल गए, 10-15 लोग पीछे हैं, तो पूरे कॉलोनी को एक साथ होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये फाइनली 2 बज गए हैं यहाँ पे, हमें निकलते निकलते अभी 2 बजे जाके हम यहाँ से निकले हैं फाइनली। कुछ लोग आगे हैं, हम शायद सबसे लास्ट हैं, कुछ लोग आगे निकल गए हैं। आगे जाके अभी देखते हैं, हमारा फ्यूल थोड़ा अभी लो दिखा रहा है गाड़ी, तो हमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा अभी आगे जाके। थोड़ा
तो ये भाई जो ये गाड़ी है फंस गई है यहाँ पे, तो हमारे कौन में से एक थार ने सोचा कि इसको निकाल दिया जाए, रास्ते में फंसी हुई थी पानी में, तो देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं। निकल जाएगी, ऐसे कैसे नहीं निकलेगी। चलो 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 चलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। किसी से बोलने भाई, इसको साथ लेके चलो ऐसे ही। भैया 1000 रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए तो दे दीजिए। तो हमारा फ्यूल लो हो गया है गाड़ी का, तो फ्यूल डलवाने आए हम लोग यहाँ पे। अब हम लोगों ने फ्यूल भरवा लिया यहाँ पे पेट्रोल से, तो क्या है रास्ते में दिक्कत नहीं रही, यहाँ रुको वहाँ रुको, पर हमारा कॉन्वो हमसे साथ थोड़ा आगे चला गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे, पंजा डाल लेंगे, कर लेंगे जैसा भाई, कर लेंगे ज्वाइन, कोई इशू नहीं, दिक्कत नहीं। तो फाइनली भाई हम एक घंटे का ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं किसनगढ़ दरबार। यहाँ पे हमें लंच करना है, शायद आधा घंटा पौना घंटा जितना भी लगे। कुछ कॉन्वे है, कुछ गाड़ियाँ भी पीछे रह गई हैं, कुछ आ गई हैं, तो जब हम उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं जब तक वो लोग पहुँचे, बाकी लोग तब तक हम यहाँ पे रुके हुए हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सभी लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई लोग। हाँ तो भाई रिहान भाई अब निकलते हैं, तो गाइस अब चलते हैं हम डंपिंग यार्ड किशनगढ़ और खाना खा लिए भाई, खाना खा के यहाँ पे अब निकल रहे हैं यहाँ से। भाई लोग हम पहुँच गए हैं डंपिंग यार्ड, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था यहाँ पे। कुछ लोग तो शायद पहले पहुंच गए या कुछ पीछे हमारे साथ हैं भाई, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था इस ट्रिप का डंपिंग यार्ड किशनगढ़, वहाँ पे पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा वाइट वाइट है, पता नहीं किस वजह से हो रखा है, पर यहाँ पे भीड़ बहुत है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो उधर में टूरिस्ट अट्रैक्शन है उस टाइप का है अभी। तो भाई ये गार्ड हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो ऊपर ही आपको खड़ी करना पड़ेगा गाड़ियों को, वरना यहाँ पे क्या है नीचे आने के लिए गाड़ी की 5100 रुपये पर्ची कटेगी। तो भाई 5100 रुपये कौन देगा पर थार। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं साथ बाकी सब लोग अपने गाड़ियों को लेके। भाई जगह तो अच्छी है ना, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, आप कभी आओगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी बस हमें ऊपर जाना है, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ऊपर, तो वापस नीचे आते हैं पैदल। तो भाई हमने तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है और ये बाकी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम चलते हैं नीचे पैदल पैदल, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, आधा किलोमीटर तो है यार ये पैदल का रास्ता। अब हम निकलते हैं यहाँ से, जितना लगा था कि यहाँ पे उतना अच्छा होगा, उम्मीद के हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है डंपिंग यार्ड। बस यहाँ पे क्या है फिर देखने का, ये वाइट साइंस वगैरह है और ये पीछे ब्लू वाटर है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आज का जो ब्लॉग था, जो ये ट्रिप थी हमारी, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम ये लोग।